मैंगो टार्टलेट्स एक स्वीट और सॉफ्ट स्नैक रेसिपी है जो खासकर बच्चों को बहुत पसंद आती है। आम से बने ये टेस्टी टार्टलेट्स खाने में बहुत सॉफ्ट होते हैं और आम के फ्लेवर से भरपूर होते हैं। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम मैंगो टार्टलेट्स बनाना शुरू करते हैं। मैंगो टार्टलेट्स रेसिपी के लिए आज हम इन सभी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमें आम को ब्लेंड करना है, जिसके लिए यहाँ हमने लिया है एक आम, जिसे हम धोकर इसका छिलका निकाल देंगे। छीलने के बाद आम के पीसेस काट लें। इन पीसेस को हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे ताकि ब्लेंड करने में आसानी रहे। आम के पीसेस ब्लेंडिंग जार में डालें और ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने से आम की बहुत बढ़िया लिक्विड पेस्ट बन जाएगी, जिसे हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें डालें दो बार अच्छे से छाना हुआ एक कप मैदा, दो चम्मच पीसी हुई चीनी, एक तिहाई चम्मच नमक, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा और तकरीबन एक चम्मच देसी घी डालकर इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। आम की पेस्ट आटा अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेगी, जिससे आटा काफी हद तक इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन मैंगो टार्टलेट्स मिक्स की परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनाने के लिए आम इनफ नहीं रहेगा, इसलिए इसमें हम दूध डालकर मिला देंगे। यहाँ हमने लिया है आधा कप दूध, जिसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि मिक्सर में लम्स ना बन पाए। इस रेसिपी के लिए अच्छे से पका हुआ आम इस्तेमाल करें, इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और यह मिक्स भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैंगो टार्टलेट्स बनाने के लिए एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का मिक्सर तैयार है। अब टार्टलेट्स बनाने के लिए हम आपे वाले पैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी देसी घी या बटर से ग्रीसिंग कर लें और अब इनमें थोड़ा थोड़ा मिक्सर डालकर इन्हें मीडियम सिम गैस पर सेक लें। गैस हमने मीडियम सिम पर सेट की है ताकि यह धीरे धीरे अंदर तक अच्छे से पक जाएं। वैसे मैंगो टार्टलेट्स बेक करके बनाए जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इन्हें बड़ी आसानी से आपे वाले पैन में भी इस तरह बना सकते हैं। तकरीबन एक से डेढ़ मिनट सेकने पर जब ये थोड़े सॉलिड हो जाएं, तो हम इन्हें पलटकर दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। धीमी आंच पर पककर यह अंदर से ब्रेड की तरह सॉफ्ट हो जाएगी और बेकिंग पाउडर के कारण ये बहुत फ्लफी और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। मीडियम सिम गैस पर कुल मिलाकर तकरीबन 3 से 4 मिनट दोनों तरफ से बारी बारी सेकने के बाद मैंगो टार्टलेट्स बनकर तैयार हैं। तो अब इन्हें पैन में से निकाल लें और सर्व करें। आम के शौकीन लोगों को और खासकर बच्चों को ये टार्टलेट्स बहुत पसंद आते हैं। बच्चों को यह एक बार बनाकर खिलाएं, वह इन्हें बार बार खाना पसंद करेंगे। आम की और भी टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।